अंबिकापुर के एक निजी होटल में भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ग्रामीण पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रही। अंबिकापुर के एक निजी होटल में सरगुजा संभाग भर से पहुंचे पत्रकारों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। वे अपनी अपनी समस्याओं को इस कार्यशाला के माध्यम से बताया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार स्कीम और एक्ट बनाती है तो इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकारी और पत्रकारों के माध्यम से इसे प्रचारित किया जाता है। साथ ही कहा कि पत्रकारों पर हो रहे मुकदमों को लेकर भी जो भी समस्याएं होती हैं उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या उससे भी अवगत करा सकते हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि मुझे भी पता है कि कई ट्रेन बंद हुए हैं और कई स्टॉपेज भी बंद हुए हैं। वहीं सांसद के नाते मैंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इससे अवगत कराया है कि ट्रेनें बंद होने से सरगुजा क्षेत्र वापसियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों से क्षमा भी मांगी है। कई ट्रेनें बंद हो गई हैं, कुछ स्टॉपेज बंद कर दिए हैं। अब मैं भी एक सांसद के रूप में अपनी ही सरकार से मैं इसके संबंध में बोल चुकी हूं। अपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारे प्रदेश में आए थे तब भी मैंने उन्हें कहा कि ये ट्रेनों को रोकना थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि भाई आवागमन का सबसे मुख्य साधन हमारी ट्रेनें हैं। तो अभी कुछ दिक्कतों की वजह से ट्रेनें बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन बंद ही कर दी गई है। कुछ समय के लिए ट्रेनें जरूर बंद हैं,